अस्सलाम वालेकुम मानो बख्शा सहावे विषय मराठी आज आम्ही मराठी मध्ये नामे आणि सर्वनाम हे दोन विषय समजून घेणार आहोत. मतलब आज हम आपके मराठी इस मजमून में हम नाम और सर्वनाम, नाम जिसको उर्दू में इस्म और सर्वनाम जिसको उर्दू में ज़मीर कहते हैं वो हम सीखेंगे. तो नाम किसके किसके होते हैं बच्चों? नाम कोणाचे असतात? नामे असतात व्यक्तीचे, नामे असतात पदार्थ, वस्तु, ठिकान, वाहने, मतलब चीज़ों के नाम होते हैं, जगह के नाम होते हैं, गाड़ियाँ या सवारियों के नाम होते हैं. उसी तरह से नाम होते हैं गुण या भाव के, मतलब खूबी, कोई भी खूबी, अच्छी खूबी, बुरी खूबी या जज्बात के नाम होते हैं. और नाम इसी तरह से लोगों के भी होते हैं, अशख़ास के होते हैं, मतलब लोगों के भी नाम होते हैं. कुछ मिसाल हम देख लेंगे यहाँ पर. अशख़ास यानी लोगों के नाम में जैसे हम बोलते हैं काका, सोनाली, आजी, आई. पदार्थ वस्तु, पदार्थ यानी चीज़, वस्तु यानी चीज़, ठिकान यानी जगह, वाहन यानी गाड़ियाँ, सवारियाँ. तो उसमें हम क्या क्या नाम लेते हैं? घर, बस, रेलवे, मुंबई, मिठाई, ये सब क्या है? पदार्थ, वस्तु, ठिकान, वाहन के नाम है. उसी तरह से गुण भाव में आता है गरीबी, खुशी, नम्रपणा, दुखी, ये सब हमारे जज्बात हैं या हमारी खूबी को हम बताने वाले नाम हैं. तो यह प्रकारे अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि नाम किसको कहते हैं, तो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, गुण, भाव यांचा नावा नाम नावाला नाम असे म्हणतात. मतलब किसी भी शख्स के नाम को, चीज़ के नाम को, कोई भी और खाने या किसी इस्तेमाल की चीज़ के नाम को, जज्बात खूबी खामी के नाम को, के अल्फाज को या जज्बात को, यांचे नावों को क्या बोलते हैं, इनके नामों को क्या बोलते हैं मराठी में? नाम असे म्हणतात. अथा अभी हम यहाँ पे कुछ उदाहरण आए उनके ज़रिए, हम मिसालों के ज़रिए हम देखेंगे कि नाम कैसे और कहाँ इस्तेमाल होते हैं. जैसे आजी मंजू कुठे गेली, तर या वाक्यात हे एक प्रश्नार्थक वाक्य है. ह्या वाक्यात दोन नाव आले आहे, आजी आणि मंजू, ठीक आहे. नंतर दिनेश मध्ये प्रामाणिकपणा आहे. अब यहाँ पर दिनेश ये क्या है? व्यक्ति का नाम है. प्रामाणिक ये क्या है? गुण है, ठीक है. तो ये गुण का नाम हो गया. इस तरह से दोनों क्या है? नाम है. नंतर वृद्धांना नेहमी मदद करावी. वृद्ध मतलब बूढ़े लोग, तो उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए. तो वृद्ध भी क्या आ गया? व्यक्ति में आ जाएगा, व्यक्ति के नाम में आ जाएगा. नंतर दारावरची बेल वाजली. अब दार यानी दरवाज़ा, तो दरवाज़ा क्या है? जगह है, ठीक है. तो ये पदार्थ, वस्तु, यानी बेल भी क्या है? एक वस्तु है या नाम है किसी चीज़ का. तो ये भी क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा. तो ये भी नाम में आ जाएगा. तो इस प्रकार से हमने देखा कि नाम किसे कहते हैं. किसी भी शख्स के नाम को या किसी भी चीज़ को, जगह को, के अल्फाज को, यानी ऐसे अल्फाज जो किसी शख्स के नाम को बताते हैं या ऐसे अल्फाज जो किसी जगह, वस्तु या सवारी के नाम को, काम को मालूम देते हैं या कोई खूबी या जज्बात की मालूम देते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? नामे भंतात. नंतर आता काही खाली वाक्य दिले, खाली जगह वाक्य दिलेले आहे, तिकडे आपल्याला काय लिहायचं आहे? नावे, नामे लिहायचं आहे. तर मी इकडे लिहिलेलं आहे, पण तुम्ही तुमच्या आवडीचे आपण नामे लिहू शकतात, ठीक आहे. यहाँ पे मैंने लिखा है, लेकिन आप अपनी पसंद से भी यहाँ पे नाम लिख सकते हैं. जैसे खाली जगह माझा जीवलग मित्र आहे, मतलब खाली जगह मेरा गहरा दोस्त है, मेरे जान से प्यारा दोस्त है. तो मैंने यहाँ पे लिखा है अहमद. तो अहमद क्या हो गया? नाम हो गया. माझ्या दफ्तरात मतलब मेरे बैग में, खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह या वस्तु आहेत. मैंने लिखा है पेन, पेंसिल, पट्टी. तुम कुछ और भी लिख सकते हो या यही भी लिख सकते हो. खाली जगह मधून बाहेर थुकू नये.
खिड़की मधुन बाहर थुकू, नहीं खिड़की भी क्या है एक जगह का नाम है। अतः अपन पाऊया सर्वनामे। इकड़े एक परिषद मी दिलेला आहे ते आपण पहिल्यांदा समजून घेऊया। मी वाचते तुम्ही नीट ऐका आणि तिकडे काय जे शब्द आहे ते अधोरेखित आहे त्याच्याकडे लक्ष द्या, ठीक आहे। आईने राजूकडे पाहिले, राजू गाढ झोपला होता, आईला राजू कधी उठतो असे झाले होते। तेवढ्यात ताई आली, ताईने राजूला उठवले। इस परिषद में आई राजू, राजू आई, राजू ताई, ताई ये सब आया है, ठीक है। अब इसी पैराग्राफ को हम अगर दूसरे तरीके से लिखें तो वो कैसा होगा, देखो। आई ने राजू कड़े पाले, पहला वाक्य तो वैसे ही है ना, लेकिन आगे के वाक्य में राजू की जगह पे यहाँ पे आ गया है। तो राजू गाढ़ झोपला होता, तो गाढ़ झोपला होता, ठीक है। आईला राजू कधी उठतो असे झाले होते। तीला, आईला की जगह पे क्या आ गया है ती, और ला तो लगा हुआ ही है, तो तीला तो कधी, तो राजू की जगह पे क्या आ गया है तो, कधी उठतो असे झाले होते। तेवढ्यात ताई आली, यहाँ पे ताई का नाम पहले बार आ रहा है इसके लिए ताई का ताई रहेगा, लेकिन फिर दोबारा ताई नहीं आएगा। ताई ने राजूला उठवले, तो तीने त्याला उठवले। तो ये दोनों पैराग्राफ को अगर हम देखें तो इसमें हमको फर्क ये समझ में आता है कि पहली बार अगर हम किसी का नाम लिख रहे हैं तो उसका नाम ही लिखा जाएगा, लेकिन जब दूसरी बार आगे के जुमलों में अगर आ रहा है वो ही शख्स, तो हम उसका नाम ना लिखते हुए उसकी जगह पे त्या, तो, तुम ही ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं। जैसे पहले पैराग्राफ में जो है नाम आया था आई, राजू और ताई, दूसरे पैराग्राफ में उनकी नाम की बजाय तो, तीला, तीने और त्याला, तो, तीला, तीने और त्याला ये शब्द आए हैं। तो ये क्या हो गए नाम, और उनके नाम की बजाय जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, उसको कहते हैं सर्वनाम। तो इस तरह से आई, राजू, ताई या नामा एवजी, मतलब आई, राजू, ताई ये नाम की बजाय आपन ही थे, यानी हम लोग जो है वो यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आई, राजू, ताई की बजाय हम इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरे आगे के पैराग्राफ में तो, तीला, अन, तीने, तो असे शब्द वापरले आहेत, इस्तेमाल किए हैं, या शब्दांना सर्वनामे म्हणतात। यानी एक ही बार बार एक ही नाम को, जैसे अहमद उठा, अहमद ने ब्रश किया, अहमद ने नहाया, अहमद ने खाना खाया, अहमद ने नाश्ता किया, बार 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 हर जगह अगर अहमद 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 लगेंगे लिखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो पहली बार तो अहमद का नाम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके आगे हम जो है उसके नाम की बजाय कुछ और शब्द, जैसे त्याने, त्याला, तीला ऐसे शब्द, तो इस ऐसे शब्द इस्तेमाल करेंगे, उसको बोलते हैं सर्वनामे। अतः इकड़े मी का एक घर कार्य दिला है, उसमें तुमको पैराग्राफ पढ़ना है और उसमें नामे और सर्वनामे अलग करके लिखना है। आज दिशा आणि धनंजय खूब आनंदात होते, कारण त्यांची आजी गावाहून येणार होती, त्यांची आजी त्यांना आवडणारे पदार्थ बनवून खाऊ द्यायची, खालायची, त्यांचे खूप गोड कौतुक करायची। धनंजय हुशार होता, तो नियमित अभ्यास करायचा, ठीक है। आता ह्या परिषद मध्ये नामे कोणकोणते आले आहेत तो बघूया आपण। दिशा, धनंजय, आजी, गाव हे काय आहे नामे आहे। नंतर सर्वनामे काय काय आहे, पहली बार में दिशा, धनंजय और गाव ये उनके नाम आ गए हैं, ठीक है आजी, लेकिन आगे जो है वो उनके बार बार नाम नहीं आए, आगे नाम की बजाय जो है वो जो शब्द आए हैं वो है त्यांची, त्यांना, त्यांचे और तो ये सब क्या हो गए सर्वनाम हो गए। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने नामे और सर्वनामे ये सीखा है। ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपको अपनी कॉपी में लिखना है और मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। अल्लाह हाफिज़।